स्वागत करुच्छी आपको आईसीएस टिप्स रे मु प्रभात। तो देखो आज आम डिस्कसन करवा आपणकर जो रहा कि वर्ड एवालेसी अपकमिंग एग्जाम जो सब रहा सीजीएल एग्जाम रहा तापर से आपंकर बी एस एस एग्जाम रहा तो एथिपाई आम क्लास प्रोवाइड करवा आप फास्ट मुझे कौन करुच्छी आप रिसेंटली वर्ड एवालेसन जहाँ भी एग्जाम होता है तरह समस्त क्वेश्चन मुझे आप डिस्कसन करुचे और बहुत जल्दी आपंकर पंचायत एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तापे मध्ये क्लासेस आरंभ हो तो जदि आपन डिमांड रही पंचायत एक्जीक्यूटिव ऑफिसर क्लास पे तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स जनातु और यहाँ पे आपको क्लासेस बहुत जल्दी प्रोवाइड कर दिया जाव। यार पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल अवेलेबल हो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल लिंक दे देती से लिंक पर क्लिक कर टेलीग्राम चैनल भी जॉइन हो पारे। तो डे नक चलो आज फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कशन कर तो फर्स्ट क्वेश्चन कौन देखो देखो मुझे रही कि ये समस्त क्वेश्चन आपंकर ओ डबल एस सी पैटर्न में नौ एवं ओ डबल एस सी जब आपने प्रिपेरेसन करवाक चाहते जो रही कि आप आरिथमेटिक पार्ट तो आई बटन उपर आप फास्ट गोटे लिंक मिल जाव जोटा कि रोचे कि आपंकर मैथ माराथन रोच 10 आवर मुझे जदि आप कनसेप्ट क्लीयर अच्छे 10 आवर से भिड को देखी नि ओ डबल एस सी जेको एक्जाम देवाक जातु आप ग्यारंटेड 90% अबव आपने स्कोर करके आसपे। सपोज आप 50 मार्क मैथ एग्जाम अच्छी तो से मिनिमम आपने 45 स्कोर करके आसपे कारण ओ डबल एस सी ओ ट्रिपल एस सी और ओपीएससी जो पैटर्न क्वेश्चन आसे डिटो सेम पैटर्न क्वेश्चन मुझे मैथ माराथन प्रोवाइड कर। तो फास्ट देखिए कि नंबर सिस्टम रिलेटेड नंबर सीरीज रिलेटेड आप जो रही क्वेश्चन तो फास्ट नंबर सिस्टम रिलेटेड क्वेश्चन रही कौन देखिए ना व्हाट इज द आवरेज ऑफ द फास्ट 100 नेचुरल नंबर। देखो ये जगह आपको आवरेज रिलेटेड नहीं पारे कि क्वेश्चन रही जो रहा कि नंबर सिस्टम और आपंकर आवरेज को मिस क्वेश्चन डाइटा रखी तो फास्ट 100 नेचुरल नंबर सम के रहा आम आवरेज गोटे नंबर किपर फाइंड आउट करुचे जेको नंबर आवरेज फाइंड आउट करम रूल कौन ना सम ऑफ टोटल नंबर बाय गिवन नंबर सम ऑफ द डाटा बाय टोटल नंबर यहाँ हूँ आम फॉर्मूला। तो 100 नेचुरल नंबर फॉर्मूला हूँ के ना एन होल इनटू एन प्लस वन बाय टू दैट इज हूँ के 5,050 तो कत नंबर अच्छी 100 नंबर रही डिवाइड करदे 50.5 जोटा कि ऑप्शन बी हिज राइट आंसर डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कले आपन आंसर आसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मुझे प्रायतः ट्रिक हिसाब से कहि जमी आपको बहुत जल्दी जल्दी कामटा कर राधा इज 50% मोर एफिशिएंसी देन स्वास्थ्य तो राधा आ गोटे हूँ स्वास्थ्य है देखो स्वास्थ्य जो एफिशिएंसी है वन राधार एफिशिएंसी जो 1.5 तो यहाँ दशमिक अच्छी मुझे कौन करना नॉर्मल जो नेचुरल नंबर को कन्वर्ट करदे दैट इज 3:2 रेसियो तो यहाँ हूँ कौन से मानकर वार्क एफिसीयसी रेसियो यहाँ एफिसीयसी रेसियो आउ गोटे कथ मन रखि थे एफिसीयसी रेसियो जहाँ रोक जो टाइम लगुव तार रेसियोटा ओल्टा रहा राधा आउ स्वास्थ्य एफिसीयसी रेसियो रोच 3:2 ताल एमानकर वार्क रेसियो के 2:3 रस रिवर्स हो। नेक्स्ट पार्ट कौन देखिए इफ राधा कैन कंप्लीट ए वर्क इन 2 डेज राधा जदि 2 दिन काम को सारूँ स्वास्थ्य केते दिन सारे 3 दिन में सारे ऑप्शन डी हो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा ए कैन डू ए गिवन वर्क इन 40 डेज एंड बी कैन डू इट इन 60 डेज तो ए गोटे कम कर 40 दिन आी गोटे कम कर 60 दिन में ए कला 40 दिन में बी कला 60 दिन में टोटाल वर्क डन हो 120 भाग यहाँ हूँ आपंकर ए कर ए रफिसीयसी हूँ के तीन बी रफिसीयसी हो 2 टोटाल एफिसीयसी हो 5 तेल वर्क डन हम के 24×120 दैट इज 24 डेज। फास्ट कही रखुच्छे यहाँ रही है आप ट्राफिक कनेस्टेबल ये सब क्वेश्चन रही है जो सब प्रोवाइड करुच्छे है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कसन करवा द वैल्यू ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वैल्यू ऑफ बी बेस्ट क्वेश्चन अच्छे मो मतरे एवं इंपोर्टेंट क्वेश्चन अच्छे कौन देखिए जगह देखो ना द वैल्यू ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वैल्यू ऑफ बी ए रो वैल्यू बी रो स्क्वायर वैल्यू साथ रे प्रोपोर्शनल रहुची ता माने मु कहबी कि ए रो वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर बा ए जगह यदि इक्वल करिया रहइबो ए रो वैल्यू इक्वल टू के बी स्क्वायर दैट इज द डिफरेंस। देन कौन देखिए देखो व्वेन द वैल्यू ऑफ ए रो वैल्यू जो है 24 आर वैल्यू हूँ 3 तेल ये जगह मतलब के रो वैल्यू को फाइंड आउट करार अच्छे कार वैल्यू को
के रो वैल्यू को फाइंड आउट करिवार अछि 3 स्क्वायर दैट इज 9 दिस सिंपली दैट के रो वैल्यू केते हिजो मते कोंतु ना 24/9 सिंपलीफाई करले केते हिजो छ अपन को 8/3 के रो वैल्यू वाला केते के रो वैल्यू वाला केते ना 8/3 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी बी रो वैल्यू केते जेता बळे ए रो वैल्यू 96 जेता बळे ए रो वैल्यू 96 त बी रो वैल्यू केते ए रो वैल्यू 96 तो रहिला बी रो वैल्यू होची के बी स्क्वायर ताले बी रो वैल्यू केते हिजो मते कोंतु 96 के पाटे हरि दव ता माने 3/8 दैट इज होची बी स्क्वायर एटा हला एटा हिजो 12/96 12/36 ताले बी स्क्वायर वैल्यू हेला केते मते कोंतु 36 बी स्क्वायर वैल्यू 36 ताले बी रो वैल्यू केते हिजो 6 ऑप्शन सी प्लस माइनस 6 आसी फर्स्ट कोइ रहउची प्लस और माइनस 6 आसीबो किंतु ए जा जेहेतु माइनस देइनी केवल गुटी वैल्यू देची 6 दैट इज ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन द स्पीड ऑफ बाइक इंक्रीज बाय 3 किलोमीटर पर आवर आफ्टर एवरी 1 आवर देखो ये जगह रे कोन करची गोटे बाइक ता ना प्रति घंटा के रे तार जो रहला के स्पीड आ के तो होची ना 3 किलोमीटर बढी बढी जाउची इफ द डिस्टेंस ट्रैवल इन द फर्स्ट आवर यदि प्रथम घंटा रे 18 किलोमीटर जाउची सेकंड घंटा जो केते 21 थर्ड घंटा जो 24 फोर्थ घंटा जो केते 27 ताल टोटल डिस्टेंस केते कवर कला मते कोन 90 किलोमीटर दैट इज ऑप्शन बी हिज राइट आंसर टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस देखो तो मु तो ऑलरेडी सब क्लास प्रोवाइड करी रखी छी आपन को स्पेशल कहू जे स्पेशल फॉर आपन को ओ डबल एस एंड ओ ट्रिपल एस जति कि मु मैथ क्लास प्रोवाइड करी छी सही क्लास तक देखि जानतु आपन को मैथ रे बहुत भलो स्कोर करी आसीबे बहुत पिलांगर मैथ रे डाउट रहू छी मु आपन बाई किछि गोटे बिग थिंग्स ट्राए करूँ देखु मो मत एकुटिया मुझे रही सब जिन मत एकुटिया मेंटेन करवा पड़ू से किसी कराए कर गोटे बहुत बड़ जिन आप मैथ रिलेटेड आसवापी मे भी बहुत जल्दी आसीपे वर्क आरंभ है जस्ट प्लानिंग ओनली मैन पावर दरकार जब मैन पावर मिलगला तो कमटा बहुत जल्दी आसीज और आपंकर ओडिशा गवर्नमेंट अंडर जेकोसी मैथ एग्जाम हम ना आपण मैंने से ग्यारंटेड देवी 90% आभ स्कोर करके ही आसवे एवं जो पैटर्न क्वेश्चन अपडेट हो आसो ओ डबल एस ओ ट्रिपल एस मो अपग्रेड पैटर्न क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करी चलिए तो से बिल्कुल ओरीड हवा ना बस चैनल को सब्सक्राइब करार अच्छे आउ बेल आइकन दबे कि ऑल नोटिफिकेशन ऑन करार अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देखो ए स्पेसक्राफ्ट ट्रावेल गोटे स्पेसक्राफ्ट ट्रावेल करुच 6625 किलोमीटर इन 2 hours 25 minutes एंड फर्दर इट ट्रावेल्स 824 किलोमीटर इन 40 minutes द आवरेज स्पीड ऑफ द स्पेसक्राफ्ट इज डैश देखो तो स्पेसक्राफ्ट टोटल केते किलोमीटर कवर अप करू छे टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम दैट इज 6625 बाय 824 प्लस 824 दैट इज 9 4 814 7 टोटल डिस्टेंस कवर करू छे केते 7449 टाइम ड्यूरेशन केते लागू छे मते कहू 3 hours लागू छे आवरेज स्पीड केते हिजबो 3 × 6 3 × 12 3 × 24 3 × 9 2 4 8 9 2 4 8 3 ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर एवरेज स्पीड डिस्टेंस एवरेज स्पीड रो फॉर्मूला होची कौन ना टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम तापर लिखा नेक्स्ट नंबर ऑफ ए फ्रैक्शन ए एक्सलेंट क्वेश्चन अच्छे बढ़िया क्वेश्चन अच्छे न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन गोटे फ्रैक्शन न्यूमरेटर टा 6 मोर दैन द डिनोमिनेटर तो सी कौच कि मोर डिनोमिनेटर जदि हूँ एक्स न्यूमरेटर हूँ के एक्स प्लस 6 बुझेगा जिनसा इफ 6 इज आडेड टू द डिनोमिनेटर तो कौन हम आम 6 कौन मुझे आड करुच डिनोमिनेटर 6 को आड करुच एंड 5 इज आडेड टू द न्यूमरेटर लबरे 5 आड कली हर 6 आड कली तेल बर्तमान मोर के एक्स बै 11 आउ एक्स बै 6 हो जाए कि आर वैल्यू एक्चुअल वैल्यू हूँ के 3/2 आप वज्रगुण कर यार आंसर भी बाहर करेंगे नचे एठ भी डायरेक्ट यार आंसर बाहर करें ये दिज डिफरेन्स हूँ के वन ये दिज डिफरेन्स हूँ के 5 तेल 1 यूनिट वैल्यू हूँ के 5 1 यूनिट वैल्यू के 5 3 यूनिट वैल्यू के 15 2 यूनिट वैल्यू के 10 एटा हूँ मोर ए फ्रैक्शन को मत नबार अच्छे ये फ्रैक्शन ताले ये फ्रैक्शन हूँ के एक्स प्लस 6 ता माने ए हूँ आपंकर
एक्स प्लस सिक्स प्लस फाइव बा एक्स प्लस सिक्स वैल्यू तो मुझे डायरेक्ट कहीपरि एक्स प्लस सिक्स वैल्यू हो दस बै चार आउ ए कौन कहार अच्छे दस बै चार ऑप्शन सी हो राइट आंसर यू देखु कि आर वैल्यू होता आर वैल्यू होता है एक्स वैल्यू ये जगह आपंकर के पाईगले एक्स वैल्यू जगह के पाईगले चार पाईगले आर वैल्यू के दस बै चार दैट इज द फ्राक्शन जोड़ा कि ऑप्शन सी हो राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन द आवरेज एज ऑफ फोर मेंबर यहाँ बढ़िया क्वेश्चन द आवरेज मेंबर द आवरेज एज ऑफ फोर मेंबर ऑफ ए फैमिली जी डिक्रीज बाय 14 इयर्स तो 14 वर्ष कमी जाऊँ से आवरेज एजटा हुए ना एल्डर पर्सन इन द फैमिली डैड जो गोटे एल्डर पर्सन फैमिली रो मरी जाने से जगह आप गए नुआ बेबी बर्न हो व्हाट इज द एज ऑफ द पर्सन हु डैड तो देखो जो पर्सन डाय तो नुआ बेबी बर्न हो तार एज हूँ कैसे सब जीरो जो जन पर्सन टा मरी एज के बाहर करवा ना 14 इंटू 4 दैट इज 56 इयर ऑप्शन डी हो रईट आंसर बलदिया मेथड किसी एत करार ना नेक्स्ट क्वेश्चन एटा सुपर क्वेश्चन रही ए पार्टन क्वेश्चन मुझे रखी जोटा कि नहीं कि ए इनकम इज 20% मोर देन बी ताले बी इनकम ए इनकम ठार के परसेंट कम ये पार्टन क्वेश्चन ना पूरा गिना चुना पार्टन क्वेश्चन पूरा देखो मुझे टोटाल फ्रेम दे देती जमी आप गोटे इटा छाँच रुहे ना इटा छाँचे आप कौन काम ओनली खाली मट्टी पुरेबे तादेह परफेक्ट इटा साइज रे बाहर करवा तो इटार परफेक्ट साइज बाहर करवाक आप छाँच या मो कम मुझे आपको छाँच या जोड़ा रोचे आप 10 आवर माराथन क्लास ओनली एर आप कौन करार अच्छे एग्जामिनर आप कौन कर डाटा खाली चेंज करके दब आप कौन करार अच्छे तादेह परफेक्ट जिनसा बाहर करार अच्छे आप तीन टा जिनस देखो गोटे हूँ मोर एफर्ट जो रहा कि 10 आवर क्लास मुझे प्रोवाइड करी से देखिए एग्जामिनर काम हो कौन सी आपको जिते बुलेंग क्वेश्चन दे पैटर्न हूँ सेम रहा छाँच गोटे मो कह क्या गोटे इटा छाँच रू आम कौन करे ना लक्षे पर इटा या कि छाँच हूँ गोटे तो मन रखु सेमती ये क्वेश्चन पैटर्न हूँ गोटे आदि से डाटा चेंज करें ये जगह 40 दे बेले बेले 20 दब 25 दब 16 होल 2/3 दब ये हूँ गोटे निर्दिष्ट पैटर्न आपको सी चेंज करना सब माइंड में जिनसा को रखी चलती बुझे कथ धन्यवाद ओके देखा ये क्वेश्चन आपण मैंने करेंगे किपर ये जगह गोटे जिनस आप्रोक्सीमेटली तो जदि आप देखिए कि ए इनकम कौन हो 40% मोर रोचे तेल बी रनकम टा केसेंट कम रोचे तेल ए रनकम बी रनकम हो देखते 100 ए रनकम हो 140 ताले बी रनकम ए रनकम के कम हो 40 कम रोच के 140 रु 100 रु के कम रैट इज या सिंप्लीफाई कर दिंतु ना गोटे शून 14.98.5.6 आसो दैट इज आप्रोक्सीमेट हो 29% ऑप्शन डी हो देख 40/140 इंटू 100 गोटे शून कटिला 14 काटिले 14.98 14.98 2 बढ़ला 2 है आपणकर 14 के 14 1. समथिंग आस मल्टीप्लाई कले 28.5 समथिंग आस तो 28.5 हो आप्रोक्सीमेट हो 29% नेक्स्ट क्वेश्चन द आवरेज ऑफ 13 नंबर इज 17.5 ताले द सम ऑफ 13 नंबर के 17 को मल्टीप्लाई करदे के मत कहु 13, 65 5 रखिनेला 6, 13, 91 6, 97 7 रखिनेला 9, 13, 13, 9, 22 एटा होगा कौन आपंकर सम ऑफ 13 नंबर इफ द आवरेज ऑफ फर्स्ट 6 नंबर तो फर्स्ट 6 नंबर आवरेज हो 13 ताले से सम हो 1378 एंड लास्ट 6 नंबर है 1484 ताले ये दिजन को सम के 2, 8, 7, 15, 16, 162 162.00 ताले डिफरेंस बाहर कर देले 13th नंबर आप बाहर दैट इज 65.5 ऑप्शन बी हिच वायर राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ टू ट्रेन्स यहाँ आप बढ़िया क्वेश्चन द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ टू ट्रेन्स इज 13:17 इफ द सेकेंड ट्रेन रन्स 115 किलोमीटर पर आवर इन 6 आवर तो जदि यहाँ 115 किलोमीटर जा 6 आवर तो 1 आवर के 954, 540, 80, 85
ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାରେ ଆର ସ୍ପିଡ୍ ହେଉଛି କେତେ 85 କିଲୋମିଟର। ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ଟ୍ରେନ୍, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ପିଡ୍ର ରେସିଓ 13:17। ତାହେଲେ 17 ଭ୍ୟାଲୁ ହେଉଛି କେତେ 85, 17 ଭ୍ୟାଲୁ ହେଉଛି 85, ତାହେଲେ 180ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହେଇଗଲା 5, ତ 13 ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହେଇଯିବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 65, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 65, ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏ ଜାଗାରେ ସେ ଦିଦି ଜଣଙ୍କ ସ୍ପିଡ୍ର ରେସିଓ ଦେଇଛେ, ତ ସ୍ପିଡ୍ର ରେସିଓ 13:17 ଦେଇଛି, ଯେହେତୁ ଏ ଜାଗାରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର 17 ୟୁନିଟ୍ର ଭ୍ୟାଲୁ 85, 13 ୟୁନିଟ୍ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହେଇଯିବ, ଏ ଐକିକ ଧାରା ପକାଇକି ଆପଣମାନେ କରି ମଧ୍ୟ ପାରିବେ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଭୋଟ ଗଣିତ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ରହିଲା କି ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ରହିଲା, ରେସିଓ ପ୍ରପୋର୍ସନ୍ ରହିଲା, କେଉଁ ପାଟର୍ନ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାଟର୍ନ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କରାଇଛି କି ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡର୍ରେ ଏଇ ଏଇ ପାଟର୍ନ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସୁଛି, ଏଇ ଏଇ ପାଟର୍ନ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିକି ହିଁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଇନ୍ ଆନ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ୱିଥ୍ ଓନ୍ଲି ଟୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, ତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଆପଣ ଦୁଇଟା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ରହିଛି, ଦ ୱିନିଂ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସେକ୍ୟୁର୍ 69% ଅଫ୍ ଦ ଭୋଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଓନ୍ ଓଭର୍ ଦ ଅଦର୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ବାଇ 722 ଭୋଟ୍। ହାଉ ମେନି ଭୋଟ୍ ଡିଡ୍ ଦ ୱିନିଂ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଗେଟ୍ସ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାରେ 69% ଭୋଟ୍ କିଏ ପାଇଛି ନା ୱିନିଂ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, ଯିଏ ହାରି ସେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଭୋଟ୍ ପାଇଛି ନା 31%, ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭୋଟ୍ର ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ ହେଉଛି 38% ଭୋଟ୍, ତାହେଲେ 38% ଭୋଟ୍ର ଭ୍ୟାଲୁ ହେଉଛି 227, 722, ତାହେଲେ 69%ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ରହିବ, 69%ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ରହିବ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଯଦି ଅପସନ୍ ଏଲିମିନେସନ୍ ମେଥଡ଼କୁ ବି ଦେଖିବି ନା ମୋର ଆରାମରେ ଆନ୍ସର୍ ବାହାରି ଯାଉଛି, ତ ଏଇଟା ତ ବିଲକୁଲ ହେବନି, ଯଦି 38% ଏତିକି ହେଉଛି 69 ତ ମୋର ବିଲକୁଲ ଏତିକି ହେବ ନାହିଁ, ମୋତେ ଯଦି ହିସାବପତ୍ର ନ କରିବାର ବି ଅଛି ତାହେଲେ 69% ଭ୍ୟାଲୁ ହେବ, ଦେଖନ୍ତୁ 38 × 2 ହେଇଯାଉଛି କେତେ 76, ତା ମାନେ ଏଇଟା ହେବ 1400 ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ କମ୍ ନମ୍ବର ରହିବ, ଯେଉଁଟା ହେବ ଆନ୍ସର୍, ଯେଉଁଟାକି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ଆର୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଆପଣମାନେ କଟାକଟି କଲେ ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ଜିନିଷଟା ଆସିବ, ମୁଁ କହୁନି ବଡ଼ ଜିନିଷ କିଛି ଆସିବ, ବସ୍ ଆପଣ କଟାକଟି କରିବାର ଅଛି। ହେଲା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ନା ଟୁ ନମ୍ବର ଆର୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭଲି 12% ଆଣ୍ଡ 40% ମୋର ଦ୍ୟାନ୍ ଏ ଥାର୍ଡ ନମ୍ବର, ତ ଦୁଇଟା ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ଗୋଟେ 12% ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି 14%, କାହା ନମ୍ବର ଥାର୍ଡ ନମ୍ବର ଠାରୁ ବଡ଼ ଅଛି, ହ୍ୱାଟ୍ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟ୍ ପରସେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଇଜ୍ ଦ ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବର, ତ ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବର ଫାର୍ଷ୍ଟ ନମ୍ବର କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍, ବସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ହିଁ ପଚାରିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଲା କିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଥାର୍ଡ ନମ୍ବର ହେଲା 100, ଫାର୍ଷ୍ଟ ନମ୍ବର ହେଇଯିବ କେତେ 112, ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବର କେତେ ହେଇଯିବ 140, ତାହେଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ନମ୍ବର ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବର ଭିତରେ ଦେଇଛି 140 ବାଇ 112 ଇଣ୍ଟୁ 100, ତ 112 14 କାଟିଦେଲେ 10, 14 କାଟିଦେଲେ 8, କାଟିଦେଲେ 125%, 1000 / 8 ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 125, ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଅର୍ପିତା ଟେକ୍ ଥ୍ରୀ ଡେଜ୍ ଟୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ 1/4 ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍କ, ହାଉ ମେନି ଡେଜ୍ ଦ ସି ଟେକ୍ ଟୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦ ୱାର୍କ, ତ କେତେ ଦିନ ତାକୁ ସମୟ ଲାଗିବ ସେ କାମକୁ ଏ କୋଡ଼ିଆ ସାରିବା ପାଇଁ, ପୁରା ବେଶୀ କୋଶ୍ଚିନ୍। ତାକୁ ଯଦି 1/4 କାମ କରିବାକୁ ଲାଗୁଛି 3 ଦିନ, ତାହେଲେ ଫୋର୍ଥ ପାର୍ଟ କାମ କରିବାକୁ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 12 ଦିନ, ଏଥିରେ କିଛି ପେନ୍ ଆଣ୍ଡ ପେପରର ବି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆଜିର ଲାଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କମେଣ୍ଟ ୱାର୍କ, ହେଲା ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ କି ଇଏ ଯେଉଁ ରହିଲା କି ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ୱାର୍କ, ଆଟ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏଜ୍ ଏ ଇଜ୍ 7 ଟାଇମ୍ ଆସ୍ ଓଲ୍ଡ ଆସ୍ ବି, ଏ ଆଉ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଆଉ ବି ଦୁଇ ଜଣ ରହିଲା, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଉଛି, ଏ ଇଜ୍ 7 ଟାଇମ୍ସ ଆସ୍ ଓଲ୍ଡ ଆସ୍, ତା ମାନେ ଏ ଆଉ ବିର ରେସିଓ ହେଉଛି କେତେ 7:1, 8 ଇୟର୍ସ ଲ୍ୟାଟର୍ ଏ ୱିଲ୍ ବି 4 ଟାଇମ୍ସ ଆଜ୍ ଓଲ୍ଡ ଆଜ୍ ବି, ତ 8 ବର୍ଷ ପରେ ଏ ପ୍ଲସ୍ 8 ବାଇ ବି ପ୍ଲସ୍ 8, ତ ଏ ମାନଙ୍କ ରେସିଓ କେତେ ହେଇଯାଉଛି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ନା 4:1। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ କରି ରଖୁଛି ଆନ୍ସର୍, କମେଣ୍ଟ ୱାର୍କ ଦେବାକୁ ବି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଏର ବୟସ 7, ବିର ବୟସ ଅଛି 1, ତ ମୋ କହିବା କଥା ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବୟସର ଡିଫରେନ୍ସ ସବୁବେଳେ ସମାନ ରହିବ ନା ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିବ, ବିଲକୁଲ ସମାନ ରହିବ, ତ ଏ ଜାଗାରେ ସେମାନଙ୍କର ବୟସର ଡିଫରେନ୍ସ 6 ରହିଛି, ଏ ଜାଗାରେ ସେମାନଙ୍କର ବୟସର ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ ରହିଛି 2 ରହିଛି, ଏ ସରି କେତେ 3 ରହିଛି, ତ ମୋତେ ସେ ବୟସର ଡିଫରେନ୍ସକୁ ଆଗ ସମାନ କରିବାର ଅଛି, ତ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଏ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଉପରେ ଗୋଟେ 2 ତଳେ ଗୋଟେ 2କୁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦେଉଛି, ତ ଉପରେ ଗୋଟେ 2 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ ଏଇଟା ହେଇଯାଉଛି 8, ଏଇଟା ହେଇଯାଉଛି କେତେ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ 2, ତ ଆଗରୁ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବିର ରେସିଓ କେତେ ଥିଲା 7:1, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ରେସିଓ କେତେ ହେଇଯାଉଛି 8:2, ତା ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଲେ କି ଆପଣଙ୍କର 7 ବର୍ଷରୁ 8 ବର୍ଷ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା, ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ନାଓ ଆଉ ଲ୍ୟାଟର,
बर्तमान से मानक रेसीो रोच ना सात इज टू वन आउ लैड आठ वर्ष पर के रोच आठ इज टू दुई एट इयर लैड सात रु आठ हूँ वन यूनिट बढ़ुच एक रु दुई हूँ वन यूनिट बढ़ुच तो वन यूनिट केमी बढ़ुच्छे ना आठ वर्ष हेलू वन यूनिट बढ़ुच्छे तेल वन यूनिट मूल्य हूँ के आठ पचार व्हाट वाज द बीस एज फोर इयर्स एगो चार वर्ष पूर्वे बी एज के तेल जदि वन यूनिट भैल्यू हूँ आठ तेल बी वर्तमान बयस हूँ के वन यूनिट दैट इज आठ चार वर्ष पूर्वे तार बयस के चार वर्ष एटा हूँ रेसीो मेथड मुझे आपको लेंदी लगी थी पारे कि ये जो क्वेश्चन आंसर को आपको विदिन फ्यू सेकेंड रे माने 20 सेकेंड मैक्सिमम ये क्वेश्चन को नाप खाली क्वेश्चन पढ़ले आप माइंड आंसर आसीज रेसीो को इक्वाल कले आंसर बाहर देखो ये ओवरअल आप भिडियो 15 क्वेश्चन जोड़ा कि आप ट्राफिक कनेस्टेबल आसाला वर्ड अवेलेस यही सब पैटर्न क्वेश्चन आसूसी आप बिल्कुल ओरीड हबार ना तो मैथ रे रिजनिंग बहुत अच्छा खासी स्कोर करके आस एटा पूरा माइंड गोटे रखुद कि ना मोर मैथ रिजनिंग बहुत ही बढ़िया स्कोर रहा किसी टेनसन हाँ ना मैथ रिजनिंग में इवेन आप 50-50 मार्क एक्जाम हो रिजनिंग मैथ्रे आप बहुत भल स्कोर करेंगे ग्यारंटेड मोर रोचे आप जब आपको भिडियो भल लगी भिडियो गोटे लाइक करेंगे सांगे सेयार करेंगे फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट करते चैनल को सब्सक्राइब करेंगे धन्यवाद।